है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो वैसे भैया सीनियर से कि मैं स्कूल रेडी हो चुका हूँ और चलो मैं स्कूल के लिए निकलते हैं। तो वैस फाइनली हम दोनों स्कूल पहुंच चुके हैं, तो है ना चलो फिर स्कूल छुट्टी होने के बाद मिलते हैं। तो वैस अभी मैं ना फाइनली हिम्मत से वापस आ चुके हैं और है ना कहीं इसको मेरे को दोबारा छोड़ने आने अभी घर पे। ठीक है ना भाई, चले चलते हैं। ठीक है भाई, तो वैस चलो आप सीधे इसको है ना घर पे मिलेंगे। तो वैस फाइनली मैं घर पे पहुंच चुका हूँ और मैंने मेरी स्कूटी यहाँ पे पार्क करी है, तो चलो चलते हैं। और चलो आपको सीधा नहा के फ्री होके मिलते हैं। तो वैसे ऐसा कि मैं नहा के फ्री हो चुका हूँ और है ना बस चलो आगे से देखते हैं। तो वैसे ऐसे कि मैं लग रहा हूँ थोड़ा पढ़ाई करने, तो चलो आपको पढ़ाई करने के बाद मिलता हूँ। तो वैसे ऐसे कि मैं ना पढ़ाई करके फ्री हो चुका हूँ और है ना अभी कैसे ना मेरे जिम का टाइम हो चुका था, चलो जिम के लिए निकलते हैं। मैंने बैग ले लिया है और पूरा रेडी तो हो चुका हूँ, चलो चलते हैं। अरे वैसे हमारे गार्ड अंकल बंदरों के चक्कर में लेके बैठा जलवा है यहाँ पे बंदरों का। तो वैसे फाइनली मैं जिम पहुँच चुका हूँ, मैंने मेरी बाइक यहाँ पे पार्क करी है क्योंकि यहाँ पे पहले से ही ये पुल है और यहाँ पे लगाता हूँ उसके, इससे बाहर निकल जाती है और कोई ना कोई फिर खिसका के निकल जाता है, वो अच्छा नहीं लगता मुझे, पता नहीं क्यों, क्योंकि पता नहीं यार कोई तोड़ फोड़ दे कुछ तो हमें पता भी नहीं चलेगा। और बस चलो बहुत पका लिया, तो आपको अब जिम से फ्री होने के बाद मिलता हूँ। तो वैसे लग रहा है जिन बच्चों के डांस टीचर नहीं है और ये देखो भैया आ गए। और भैया सब बढ़िया? सब बढ़िया। ये भैया करंट लगा देते हैं यार, पता नहीं कैसे कल इनने इतना बढ़िया करंट लगाया था मुझे। तो वैसे आप पहले जिम से फ्री हो चुके हैं और आज मैं जल्दी जा रहा हूँ, आप देख सकते हो बाहर धूप हो रही है अभी भी, तो है ना बस चलो चलते हैं क्योंकि इस आज पता नहीं कुछ थकावट से ज़्यादा हो रही है, लग रहा है कुछ ज़्यादा जिम कर ली मैंने आज, तो बस चलो चलते हैं। तो चलो गाइस चलते हैं। तो वैसे अभी मैं आया था राम भगवान जी के मंदिर और मैं दर्शन करके फ्री हो चुका हूँ, आपको भी करा दिए, चलो अब चलते हैं। तो वैसे फाइनली मैं घर पे पहुंच चुका हूँ, मैंने मेरी बाइक यहाँ पे पार्क करी, अगर आपको दिख रही हो तो चलो चलते हैं। क्या यहाँ पर गार्डन का लेकर लाइट बंद कर देते हैं क्योंकि तो चलो घर पे चलते हैं। तो वैसे ऐसे कि नहा के फ्री हो चुका हूँ, जब मैं जा रहा हूँ अपने मम्मा जी के काम से नीचे, तो चलो चलते हैं। तो वैसे फाइनली मैं फ्री हो चुका हूँ, तो चलो घर पे चलते हैं। घर पे खाने में ओट्स बनाए हैं, तो चलो वे खाते हैं। वैसे वैसे ऐसा है कि हम सब जा रहे हैं, मतलब मम्मा जी में पवन जा रहे हैं है ना अपने पास वाले मॉल के गेम्स बाजार में ऐसे ही, तो है ना बस चलो चलते हैं। और मेरे हिसाब से वहाँ पे है ना जो पंच वाला चैलेंज होता है ना, इसको बम्पिंग या ऐसा कुछ बोलते हैं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, मैं दोबारा करने वाला हूँ, लेकिन इस बार जो लास्ट टाइम हासमुलो के साथ करा था वो नहीं, इसे मैं करूँगा विक्स की गोली के साथ, क्योंकि विक्स की गोली लो और खिचखिच दूर करो, मेरे को भी हो रही हल्की सी, तो चलो चलते हैं। बस मैं जा रहा हूँ बाइक से, मम्मा जब पवन जा रहे स्कूटी से और है ना रास्ते में पापा से कार एक्सचेंज कर लेंगे, मतलब पापा जी कार ले लेंगे और पापा जी के ऑफिस के बाहर खड़ी कर देंगे हम दोनों। बस हम तो पहुँच चुके हैं, हमने अपने बाइक भी यहाँ पे खड़ी कर दी है और लेकिन मम्मा जी तो दिख ही नहीं रही यहाँ पे आस पास। बस देखो अब जाके आए मम्मा जी और पवन। तो बस हम सब कार में बैठ चुके हैं।
करो तो सही, पंच पंच मारो। ये लो भैया, ठीक है भैया। तो इस पवन की बारी। अरे वाह पवन। ऐसा कुछ नहीं है यार, हमारा पवन जवाज है तो वही समझो। तो यहाँ पे आते स्टार्ट कर दिया ये सब करना। वक्त अब तो मैं ही करूँगा। नहीं यार, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है यार। अम्मा जी अगली बार क्या लेके आएंगे? आई थिंक बूमर बूमर या फिर फाइव स्टार च्युइंगम लेंगे। गाइस आप कमेंट करके बता देना, पल्स के बोले भी ला सकते हो तो आप कमेंट कर देना गाइस। मतलब ना जब रैंडम लोगों को ऐसी चीज़ें देते हैं ना हम छोटी मोटी, तो गाइस उनके चेहरे पर स्माइल आती है ना, वो देख के बहुत अच्छा लगता है सच्ची में। आपको खुद ट्राई करना, फर्स्ट टाइम में तो डर लगता है लेकिन उसके बाद मज़ा आ जाता है। अम्मा जी हमें ये गेम खेल रहे हैं। ओ भाई एक पॉइंट हो गया। खेल रहे वाला गेम यहाँ पे, अभी वाला टिकट वाला गेम खेल रहा है जिसमें मम्मा जी ने तो पहले ये वाली टिकट जीत ली थी और पवन के 50 टिकट निकल गया। पवन टिकट से स्कोर हो रहा है पूरी की पूरी। दो सौ 15 टिकट भैया। भैया पवन जा रहे हैं यहाँ पे कार चलाने के लिए। क्या इसका तेल टूटा हुआ लग रहा है। तो यहाँ पवन इन दीदी को भी है ना ये विक्स देने के लिए आया, लेकिन दीदी ने लेने से मना कर दिया। गजब बेइज्जती है। अभी मैं बर्गर किंग में से आज कल मैं ही पहन करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो गाइस लाइक कर देना, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पे पवन अपनी ताकत आजमा रहा है जो है जीरो।